यूपी बोर्ड परीक्षा में मथुरा को कौन सा स्थान मिला? मिलिए 12वीं की टॉपर बिटिया से। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 2022 में छात्रों की सफलता दर छात्रों की तुलना में ज्यादा है। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 91% लड़कियां और 85% लड़के पास हुए हैं। दूसरी तरफ यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में टॉप 10 में कुल 27 स्टूडेंट्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 27 में से 19 लड़कियां हैं और 8 लड़के। फतेहपुर की रहने वाली दिव्यांशी ने यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। करीब 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों के बीच उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। दिव्यांशी ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 95.4% अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और बड़ी बहन को दिया है। सुनिए दिव्यांशी ने क्या कहा। मैं चाहते हैं जिन्होंने नकलीन परीक्षा कराई इसके पश्चात हम अपने माता पिता गुरुजनों को श्रेय देना चाहते हैं। आगे चल के क्या करना चाहेंगे? आगे चल के प्रोफेसर बनना चाहते हैं। क्यों प्रोफेसर ही क्यों चुना आपने? प्रोफेसर बनकर अपने देश में जो शिक्षा की नीति है उसमें और सुधार लाना चाहते हैं, जिससे हमारा देश विश्व में और भी अधिक उन्नति करके विकासशील से विकसित देश हो सके। इनकी बड़ी बहन के पूर्व में 10वीं और 12वीं में प्रदेश में स्थान प्राप्त कर चुकी है। इनकी बड़ी बहन और परीक्षा में पिछले वर्षों की तुलना में इस बार कान्हा की नगरी मथुरा का भी रिजल्ट बेहतर आया। हाई स्कूल में प्रदेश में जिला 12वें और इंटरमीडिएट में 43वें स्थान पर रहा। इस वर्ष हाई स्कूल का परिणाम 91.31% और इंटरमीडिएट का 95.69% रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।